हेलो एवरीवन, मैं देवेश आप लोग के सामने फिर एक नया लेसन लेके आया हूँ। देखिए, इस पार्ट में हम लोग देखेंगे, आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, फिफ्थ पार्ट देखा होगा, क्वाड्रिलेटरल का फिफ्थ पार्ट देखा होगा। उसमें क्वेश्चन सेकंड गायब है, वन के बाद सीधा थ्री आया हुआ है। तो वो जो क्वेश्चन सेकंड है वो इसलिए गायब है क्योंकि उस क्वेश्चन में जहां से क्वेश्चन पेपर मैंने उठाया था, जिस एग्जाम का वो हिस्सा था, उसमें हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन अलग अलग दिया हुआ था। वो सीजी व्यापम में आया हुआ क्वेश्चन था, उसमें हिंदी में अलग कुछ कह रहा था और इंग्लिश में अलग कुछ कह रहा था, तो उसके कारण से आंसर अलग अलग आ रहा था। तो मैंने क्या किया है, एक बार हिंदी वाले को करेक्ट माना है, एक बार इंग्लिश वाले को करेक्ट माना है, और उसके हिसाब से ट्रांसलेट करके क्वेश्चन को दो अलग अलग क्वेश्चन के रूप में आपको सामने उसको लेकर आया हूं। तो इस चीज को ध्यान से समझेंगे, एग्जाम में ऐसा अक्सर होते रहता है। ठीक है, तो चलिए, क्वेश्चन तो हमको मिल गया, हालांकि एग्जाम में उस क्वेश्चन का जैसा भी किया हो, डिलीट किया हो, जो भी किया हो, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, यहाँ डिस्प्ले होगा, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, यहां तक शायद उसको लेने की कोशिश किया हूं मैं। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, मतलब दो या दो से अधिक करेक्ट हो सकता है। आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। अभी इस क्वेश्चन को कुछ दिन पहले किया था, फिर उसको मैं हटा के इसको फिर से बता रहा हूं। प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, एवरी रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम। तो यहां क्या किया हुआ था, समचतुर्भुज तो लिखा हुआ है, समचतुर्भुज नीचे में रोम्बस है और ऊपर में समलंब लिखा हुआ था। हिंदी में क्या लिखा हुआ था, उसमें समलंब चतुर्भुज लिखा हुआ था। तो समलंब तो ट्रेपेजियम होता है, लेकिन इंग्लिश में मीनिंग अलग आ रहा है तो हिंदी में मीनिंग अलग आ रहा है, तो आंसर भी अलग अलग आ रहे थे। ठीक है, चलिए, एक चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर हैं एक वर्ग होता है, क्वाड्रिलेटरल हुज फोर साइड्स आर इक्वल इज ए स्क्वायर। तो इसको समझना है। नेक्स्ट, एक समचतुर्भुज के विकर्ण समान होते हैं, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल। यहां पे फिर समचतुर्भुज है, वहां समलंब ही लिखा हुआ था, लेकिन एक्चुअल में रोम्बस का मीनिंग क्या होता है, समचतुर्भुज। अभी मैं हिंदी को करेक्ट किया हूं। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो ऑप्शन दिया है उसको हमको लेना है। चलिए देखते हैं, पहला, एक एक स्टेटमेंट को लेकर चलेंगे, हालांकि आपने पहले देख चुका होगा, फिर भी अब तो हट गया, ये फिर से नया मान रहा। देखिए यहां पे क्या, आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। तो रेक्टेंगल है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, इसके जो डायगोनल्स हैं ये ऐसे खींचे जाएंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब बिल्कुल सही है, समद्विभाजित, मतलब इधर जितना होगा इधर जितना होगा, इधर उतना होगा इधर उतना, समद्विभाजित करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक, नेक्स्ट, प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। देखेंगे ध्यान से, अलग अलग था इसमें, ठीक है, तो इसमें देखो ऐसा होगा, ये रोम्बस बना लेते हैं, ये बना ली हम लोग रोम्बस, ठीक है, थोड़ा सा ये लंबा हो जा रहा है, ठीक, और इसको बराबर कर लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो। एक्चुअली में क्या होता है, इसका सभी साइड्स इक्वल होता है। ठीक है, अभी देखो क्या बोल रहा है, प्रत्येक सम चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो ये जो है इधर पैरेलल, इधर इधर पैरेलल, इधर, तो ये सम चतुर्भुज तो है, रोम्बस तो है, साथ ही साथ क्या है, ये पैरेललोग्राम है। क्योंकि देखो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या है, कि जो अपोजिट साइड्स है वो क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो देखो अपोजिट साइड्स पैरेलल है, जरूरी नहीं है कि उसमें जो है लेंथ इक्वल हो सबका, ये जरूरी नहीं है, हालांकि इसमें होता है। तो स्टेटमेंट तो करेक्ट है कि प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में भी ये गलती कर दिया था, क्वेश्चन सेट करने वाला भी गलती कर चुका है, ठीक है, तो ये तो करेक्ट है। थर्ड देखते हैं, थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या दिया हुआ है, एक चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर होती हैं एक वर्ग होता है, क्वाड्रिलेटरल हुज फोर साइड्स आर इक्वल इज अ स्क्वायर। देखो ये देखो ये देखो ऐसा करके, एक चतुर्भुज है इसके चारों भुजाएं बराबर हैं, तो ये तो वर्ग है, ठीक, लेकिन ये भी एक चतुर्भुज है, इसके चारों भुजाएं भी बराबर है, तो क्या ये वर्ग है, क्या ये स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर नहीं है, क्योंकि स्क्वायर में क्या होना चाहिए, सभी एंगल क्या होना चाहिए, ये 90 डिग्री का होना चाहिए, सभी एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, यहां 90 नहीं है, तो ये क्या है, स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट बोल रहा है कि क्वाड्रिलेटरल हुज फोर साइड इज इक्वल इज अ स्क्वायर, नहीं, मे बी हो सकता है बोलता तो सही था, लेकिन होता है बोलने से गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, गलत। इस चीज को ध्यान से समझना है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए फोर्थ, एक समचतुर्भुज के विकर्ण समान होते हैं, फिर से बोल रहा है डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल। यहीं पे रोम्बस मैं ड्रॉ किया हुआ हूं, तो इसके मैं डायगोनल भी ड्रॉ कर लेता हूं। देखो ये एक डायगोनल हो गया, ये एक डायगोनल हो गया,
तो ये तो लेंथ में बड़ा दिख रहा है, एक छोटा दिख रहा है। और इसकी एक प्रॉपर्टी भी होती है कि रोम्बस के डायगनल्स क्या होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं, स्क्वायर है तभी वो इक्वल होगा, ठीक है। इसमें डायगनल के हैं साइज अलग अलग होंगे, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। इस चीज को आपको ध्यान से समझना है। तो हमने चार स्टेटमेंट पढ़ा, चार में से दो सही निकला, तो इसके हिसाब से फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन बी जो दिख रहा है स्टेटमेंट जो है फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, तो फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ठीक है। लेकिन 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 क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन हिंदी में लगता, हिंदी इंग्लिश में लगता। अब मैं मान के चल रहा हूं कि जो है हिंदी का सही है, ठीक है, उसके हिसाब से मैं ट्रांसलेट किया हूं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट। आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। पहला स्टेटमेंट सेम था, उस पर कोई चेंजेस नहीं था, ये करेक्ट है। सेकंड, प्रत्येक समलंब चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, ये बोला हुआ था हिंदी में, प्रत्येक समलंब चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा एवरी ट्रेपेजियम इज अ पैरेललोग्राम। तो देखो अब यहां मैं एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करता हूं, इसको मिटा लूं क्या, ठीक है इसको मिटा लेते हैं। मैं एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करता हूं, ट्रेपेजियम में क्या होता है, कोई दो साइड पैरेलल होंगे, कोई दो साइड पैरेलल होंगे, उसके बाद ये ऐसा भी हो सकता है यहां से कम दूरी, और उसके बाद ये ज्यादा दूरी भी हो सकता है, दो साइड लेकिन पैरेलल होना चाहिए, ये दो साइड पैरेलल जरूरी, ये दोनों पैरेलल होना जरूरी नहीं है, ठीक है, हो सकता है जरूरी नहीं है। तो इस हिसाब से देखें, तो इसको मिटा लूं क्या मैं, ठीक, इस हिसाब से देखें तो क्या बोल रहे हैं यहां पे, प्रत्येक समलंब चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, एवरी ट्रेपेजियम एंड पैरेललोग्राम नहीं, बिल्कुल नहीं होता है ऐसा, क्योंकि जब इस कंडीशन में आएंगे तो ये और ये पैरेलल नहीं है, और जब ये दोनों पैरेलल नहीं है तो ये पैरेललोग्राम नहीं है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट अब जो बोल रहा है वो क्या हो गया, गलत। पहले कंडीशन में वो सही था, अब क्या हो गया, गलत। एवरी ट्रेपेजियम इज अ पैरेललोग्राम, गलत हो गया। तो ठीक है, हिंदी में अलग आंसर आ रहा था, हिंदी इंग्लिश में अलग आंसर आ रहा था, इस चीज को समझें। नेक्स्ट चलते हैं, एक चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है एक वर्ग होता है, क्वाड्रिलेटरल हूज फोर साइड्स आर इक्वल इज अ स्क्वायर। तो ये तो ठीक है, गलत है, क्योंकि पहले ही इसको समझा चुका हूं, ये गलत ही है, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं था। नेक्स्ट चलते हैं, एक समलंब चतुर्भुज के विकर्ण समान होते हैं, डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल। अब ये बोल रहा है कि इसके डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखो इधर से चलेंगे तो ये लंबा दिखाई दे रहा है, इधर से चलेंगे तो ये छोटा दिखाई दे रहा है, अलग अलग होता है। इसका मतलब ट्रेपेजियम में जो ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि समलंब चतुर्भुज के विकर्ण समान होते हैं, डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल, ये भी गलत है। तो पहले ही गलत था स्टेटमेंट, इसमें फर्क आ गया हमारे पहले वाले क्वेश्चन में, अभी वाले क्वेश्चन में इसमें फर्क आ गया, तो उसके हिसाब से आंसर भी बदल जाएगा। पहले हम लोग बी ले रहे थे, क्या ले रहे थे, वन और टू करेक्ट, लेकिन अब की स्थिति में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ओनली वन इज करेक्ट। अभी की स्थिति में क्या आ जाएगा, ओनली वन इज करेक्ट। तो ये दोनों जो क्वेश्चन जो पहले बताया जो अभी दिखाई दे रहा है, इसको बहुत ध्यान से आप समझेंगे, नोट कर लेंगे कॉपी में, हालांकि इसका मैं कॉन्सेप्ट पहले बता चुका हूं, उसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे एग्जाम पेपर में, यदि आप क्वेश्चन आपके पास होगा ये किसी के पास, तो आप देख सकते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ था, क्या वर्डिंग्स था, इसीलिए उस क्वेश्चन को मुझे वहां से हटाना पड़ा, ठीक है। ये होता है, छोटा छोटा बारीकी रहता है, उसको ध्यान देना रहता है। हालांकि ये क्वेश्चन बाद में डिलीट हो जाएगा, यदि जब दावा पत्ति करते हैं तो डिलीट हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे चीजों से बचना है। मैं तो बस क्वेश्चन अच्छा लगा तो आपको समझाया, ठीक है। तो ये अलग से एक बोनस वीडियो था, इसको हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसमें दो ही वीडियो था, अभी हम लोग जो सेक्शन लेके चल रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन लेके आते रहूं, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है जो इस वीडियो में बताया हूं, इसको तो आप सभी फ्रेंड्स को शेयर करो कि ऐसा भी एग्जाम में होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि हम ठीक है हमको आंसर को एक तरीके से लेंगे, कोई जैसे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश तरीके से लेंगे, जो हिंदी वाले हैं हिंदी तरीके से लेंगे, और जो दोनों जानते हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे, ऐसा होता है, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर करो, समझ में आ जाएगा कि लोगों की ऐसा भी एग्जाम में हो सकता है करके। मैं आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन लेके आते रहूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।